क्या आपको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती? तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरी बेसिक्स केमिस्ट्री बताने वाला हूँ, ठीक है? और पूरी प्लेलिस्ट इसकी बनेगी, और मैं आपको एक-एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी बेसिक्स केमिस्ट्री बताऊंगा, आपका पूरा बेस बिल्ड कराऊंगा, पीरियोडिक टेबल याद कराऊंगा। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और आपको कई चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो आपको पीरियोडिक टेबल तक याद कराऊंगा मैं, और आपकी जो तत्वों की बिंदु संरचना है यानी जिसे हम लुईस डॉट संकेत कहते हैं, वो सब मैं आपको याद कराऊंगा। संयोजकता क्या होती है, परमाणु क्रमांक किस तरह निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह निकालते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आकाश जैनिंदर पांडे, फाउंडर एंड सीईओ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिस्ट्री में हम करते क्या है। तो केमिस्ट्री में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो पदार्थों का अध्ययन करते हैं यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र कहलाती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये पदार्थ क्या होते हैं, पहले हमें ये जानना होगा। तो पदार्थ वह चीज होती है जिसके पास जो जगह घेरती है, जिसके पास द्रव्यमान होता है और जिसे गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है? पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो पूरा बेस समझने के लिए हम सबसे पहले तत्वों के बारे में जानेंगे, तत्व क्या होते हैं। तो उसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि परमाणु क्या होता है, ठीक है? तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते, जिसे हम जूम करके माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए तो इस प्रकार से होगी, और भी बहुत सारे बाउंड्रीज होते हैं इसमें। तो यहाँ यहाँ जो बीच में ये जो है, इसको हम बोलते हैं नाभिक, ठीक है? नाभिक। और जो हमारे परमाणु होते हैं वो हमारे सूक्ष्मतम कण होते हैं किसी भी पदार्थ के, और ये मिलके बनते हैं तीन अवकण, अव परमाणु से, अव परमाणु यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है? उनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ ये प्लस और माइनस का साइन कहाँ से आया? तो ये आवेश होते हैं, ठीक है? इनमें आवेश होते हैं, इसमें प्लस आवेश होता है और इसमें माइनस आवेश होता है, ठीक? इतना भी ध्यान रखिए, आवेश क्या होते हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में, ठीक है? तो इसमें प्लस आवेश होता है, इसमें माइनस आवेश होता है। अब इनके स्थान देख लेते हैं कि ये परमाणु में होते कहाँ है, ठीक है? तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये सब ये नाभिक में होते हैं, ठीक है? ये नाभिक में होते हैं, और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं कक्ष, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं इसे, ठीक है? इंग्लिश में इसको हम ऊर्जा ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश में इसको हम वो ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये यहाँ होती है, ठीक है? और ये प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास ये उदासीन होते हैं, ठीक है? इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ये आपकी ये ऑर्बिट यानी ये आपके कक्ष में होते हैं, ठीक है? यहाँ कक्ष में ये स्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और एक और बात जान लीजिए कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु में स्थिर होते हैं, यानी इनकी संख्या संतुलित होती है, एक ही मतलब क्या होता है, ये स्थिर होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते किसी परमाणु में। अगर दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा मतलब कम या ज्यादा नहीं होंगे। बट जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो कम ज्यादा होती रहती है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं वे इलेक्ट्रॉन्स को दान करते हैं और ग्रहण करते हैं, इससे क्या होता है उनकी जो गुण होते हैं वो चेंज होने लगते हैं, ठीक है? यानी परमाणु का गुण किस पे चेंज होता है, अगर जो उनकी जो क्या होता है अवपरमाणु होते हैं उनसे उनकी संख्याओं से क्या होता है, उन परमाणु का गुण चेंज हो जाता है, ठीक है? तो इतना भी समझिए। और अब तत्व क्या होते हैं इसे हम जान लेते हैं, ठीक है? तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, ठीक है? यानी एक ही, जैसे कि आप मान लीजिए कोई परमाणु है आपके पास और उनसे और भी जो परमाणु मिल जाते हैं और उससे जो तत्व बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, ठीक है? और हमारी प्राकृतिक में कुल 118 तत्व खोजे गए हैं, ठीक है? और जो इनके गुणों के आधार पर उनका जो वर्गीकरण किया गया है उसे ही हम आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से दिखती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है? आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ये कुछ इस प्रकार से आपकी रहेगी, ठीक है? मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगी। ये
इस प्रकार से होगी। ठीक है, और यहां एक और होगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। इसमें कुल 118 तत्व होते हैं, 118 तत्व यानी एलिमेंट्स, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, 118 तत्व होते हैं, लेकिन ये आवर्त सारणी कैसे बनी, इनके गुणों, जो तत्वों के गुण हैं उनके व्यवस्थित करने के लिए आवर्त सारणी में अच्छी तरीके से उनके संकेतों के साथ इन्हें प्रदर्शित किया गया और अच्छी तरीके से इन्हें सजा लिया, इसे हम क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं, आवर्त सारणी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ जानेंगे आवर्त सारणी के मतलब जो बेसिक्स होते हैं, मतलब क्या क्या होते हैं आवर्त सारणी में, क्या किसका क्या नाम है, सब जानेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप इस तरीके से जो देख रहे हैं, इसमें दो ही शिफ्ट होते हैं, इसमें दो ही वर्ग होते हैं। देखें तो पहले ये समझिए, जो ये आपको खड़ी वाली जो है इस तरीके से दिख रही है, ठीक है, इस तरीके से जो खड़ी वाले जो बॉक्स दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वर्ग, समूह, या इसे हम बोल देते हैं ग्रुप। ठीक है, इसे वर्ग भी बोलते हैं, समूह भी बोल सकते हैं, या फिर ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से देखते हैं पीरियोडिक टेबल को, इस तरीके से यानी देखिए, जैसे कि ये पहले वर्ग है, ये पहला वर्ग रहेगा, ठीक है, ये हीलियम और हाइड्रोजन, इस तरीके से होता है पहला वर्ग। अगर हम इस तरीके से देखते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं आवर्त, इसे हम बोलेंगे आवर्त या पेरियोडी, क्या बोलेंगे, पेरियोडी, पेरियोड बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो पूरे पेरियोडिक टेबल में कुल 18 क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, स्तंभ यानी ये वर्ग, ये वर्ग समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आवर्त कितने होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। ठीक है, आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, ये इस तरीके से इसमें 7 होते हैं। ठीक है, तो इतना आप अभी जान लीजिए। और इसमें देखिए बताता हूँ एक और बात, यहाँ ये जो ये दो देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ये दूर रहेगा, एस ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, यहां से यहां जो नीचे वाली है उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, और यहां ये वाला ये जो ये है इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल, अगर आपने देखा तो यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, तो और इसको ये जो यहाँ एक और नीचे बना होगा, ठीक है, यहाँ देखिए इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो देखिए इसमें कुल 18 समूह, मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल पहले बनाऊंगा इस पर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको याद करूंगा, ऐसे याद नहीं करूंगा कि मैंने ऐसे बनाई है, मैंने रफली बनाया है कुछ बेसिक नॉलेज देने के लिए इसके बारे में। ठीक है, तो ये होती है एस ब्लॉक, दो या जो यहाँ दो स्तंभ होते हैं, जो दो वर्ग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ जो है, यहाँ भी कितने आपके होंगे, ये 10 होंगे यहाँ बीच में स्तंभ। ठीक है, तो इसमें आपको इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और यहाँ ये आपके ये रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक, और इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। उसका चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको पीरियोडिक टेबल को याद किस तरह करना है उसको हम देखते हैं, और पहले पीरियोडिक टेबल इसमें बनाते हैं।